जैसा कि आपके सामने लिखा है, वेलकम 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 सभी लोग साथी हो, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मैं करता हूँ। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सेशन में आज मैं आपको क्या, जैसे ऊपर लिखा ना सीटेट 20, तो सीटेट 20 यानी जो एग्ज़ाम सीटेट 20 में हुआ था वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और जैसे कि आपको पता है ये एग्ज़ाम ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में, मैंने कल भी इसके क्वेश्चंस आपको कुछ कराए थे, आज फिर से नए क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने हूँ। तो जल्दी से तैयार हो जाओ इन नए क्वेश्चंस के लिए और तेज़ी के साथ शुरुआत करो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो और आसानी से अपनी सफलता को बढ़ाओ। क्लास सारी हैं, आप सर्च करेंगे नंबर सिस्टम बाय ललित कुमार, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कंप्लीट नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं अपने सेशन की और बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की और थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न। हालांकि मैंने आपको कल 15 क्वेश्चन कराए थे, वहीं से मैं शुरू करूंगा जिससे कि आपके क्वेश्चंस को करते समय कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आए, उन सभी के बारे में मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं, जल्दी से आपने लाइक तो खरीदी होगा ना वीडियो को, वेरी नाइस। तो चलो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50 रुपये का है, पेंसिल का पैकेट 14 रुपये का है, स्केच पेन का पैकेट 22.50 रुपये का है, कैंची 17 रुपये की है, एक रबड़ 2 रुपये की है और साथ में चमकीले कागज की एक प्रति एक शीट 2.5 रुपये की है, सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का है। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। अब आपको बताना है उसको कितना, आज के सवाल बहुत ही बेहतरीन है और आपको लगेगा कि सीटेट में ऐसे सवाल आते हैं तो आपको इनको करना आना चाहिए। ओके तो क्या होगा, चलिए आप भी अपने आंसर की तरफ बढ़े और मैं भी अपने आंसर की तरफ बढ़ता हूं। तो देखो सबसे पहले उसने क्या खरीदा, उसने लिया है 1 पैकेट क्रेयॉन, यानी 15.50 रुपये का क्रेयॉन उसने खरीद लिया, क्लियर हो गया। 2 पैकेट पेंसिल, पेंसिल के पैकेट की कीमत 14 रुपये, 2 पैकेट कितने के हो गए, 28 रुपीज के, उसने कहा पेंसिल भी हो गई। 1 पैकेट स्केच पेन, 1 पैकेट स्केच पेन कितने का है, 22.50 रुपये का, बहुत अच्छी बात है, पेंसिल का पैकेट भी हो गया, स्केच पेन का पैकेट भी हो गया। एक कैंची की 17 रुपये की। उसके बाद चमकीले कागज की 5 सीटें, रबड़ उसने नहीं लिया, चमकीले कागज की 1 परत की कीमत 2.5 रुपये थी तो 5 की कितनी हो गई, आपने कहा 12.50 रुपये, क्योंकि 2×5 = 10 2.5 की गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा पूरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इट्स विजिबल, आप मिनट रेजोल्यूशन को बढ़ाएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके साथ साथ उसने क्या करा, उसने 1 पैकेट सजावटी स्टिकर भी खरीदा, ये भी स्टिकर भी ले लिया, कितने का था वो, 5 रुपये का, 5 का ये ले लिया। अब सबको जोड़े कितना हुआ, 5, 5, 10, 5, 15, 50 पैसे, 1 लगा हासिल, 6, 8, 14, 2, 16 और 7, 30, 2, 2, 4 और 3, 7 और 3, 10, 100 रुपये 50 पैसे, यानी उसको कितना देना पड़ा, राइट ऑप्शन था 100 रुपीज 50 पैसा, 100 रुपये 50 पैसे का उसको भुगतान करना पड़ा स्टेशनरी की दुकान पर। ये सीटेट 2020 में जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, 20 का 21 में हुआ था ना, ये उसी का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, उसी पेपर का क्वेश्चन है, तो आपने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया। एक और सवाल चलिए बढ़ते हैं, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई और से अधिक और 8 दहाई से कम है, यानी 6 से तो बड़ी है 8 से छोटी है, इसके अंकों का योग 9 है, इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, संख्या क्या है। बहुत ही इजी सवाल है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे मुझे उम्मीद है और मैं चाहूँगा जल्दी से इसका आंसर आप दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जवाब मुझे मिलने लगे हैं आप लोगों की और मुझे उम्मीद है कि आप जवाब को बहुत अच्छी तरह से जरूर देंगे। तो चलिए शुरुआत हुई है और चाहेंगे आपके जवाब भी लगातार मिलें और हम अपने सवालों को आसानी से कर पाएं। तो चलिए सवालों के जवाब आप दे रहे हैं अच्छे से और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब अच्छे और अच्छे होते चले जाएंगे, बढ़िया। तो देखते हैं जवाब मिल रहा है बी, सोनिया ने कहा है बी, आप सोनिया कह रही हैं बी, तो देखते हैं आप सभी लोग क्या आंसर देते हैं। सोनिया का तो आंसर बी आया है भाई, आप लोगों का आंसर क्या आता है लेट्स सी, और सोनिया का आंसर बी, आपका आंसर क्या होगा जी लेट्स सी।
तेजी के साथ चाहेंगे उत्तर मिले आपको। ओके, तो यहां पर बी 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 सबने बी बी ऑप्शन को चुना है, बहुत अच्छे से जवाब मिल रहे हैं, बी ऑप्शन को सब चुन रहे हैं, बढ़िया। तो देखते हैं आखिरकार जवाब क्या था, लेट्स सी। देखो, एक संख्या 100 के आधे से अधिक यानी 100 से बड़ी है, 100 से आधे से 50 से बड़ी है, और यहाँ एक और स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, 6 दाएं और 8 दाएं यानी 60 से तो बड़ी है, 80 से छोटी है, तो ये वाली संख्या तो होगी नहीं, ना ही ये वाली होगी, इन दोनों की बात हुई। इसके अंकों का योग 2 है, दोनों को जोड़ने तो 9 ही आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आगे क्या लिखा था, इसका दाई का अंक 10th प्लेस यूनिट प्लेस का डबल है, भाई 2 का डबल तो 4 होना चाहिए, तो नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या था, 3 का डबल 6, ये 2 डबल है ना, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर आप लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में सवाल को गलत कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने सिर्फ यहां तक पढ़ा होगा और आपने पहला ही ऑप्शन चूज कर लिया। ये गड़बड़ी ज्यादातर अधिकतर आपके एग्जामिनेशन में होती है, तो इस गलती को ध्यान से समझें, मैनेज करें और तब उत्तर दें, तो ये गलतियां नहीं होंगी। तो एक जो मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों के लिए वो क्या है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो प्रश्न को पूरा पढ़ें, तसल्ली के साथ पढ़ें, तभी क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा। कई बार ऐसा हो जाता है जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, ये सवाल उस पेपर में बहुत लोगों ने गलत किया था, ये बहुत लोगों ने सवाल को गलत कर दिया था सिद्ध। अभी सवाल को समझते हैं, गलत को सही कैसे करते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000 स्थान के अंक का 3/4 है। यदि 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है, तो संख्या क्या है। बहुत ही ज्यादा, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं आलोक, आप अच्छे हैं। तो यहां पर आपको समझो 5 अंक की संख्या है, देखो पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 आपको ऐसे बनाना, 5 अंक इस तरह से होंगे। उसने क्या बोला, उसने बोला अब देखो अगर मैं दाई सैकड़े से बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, लास्ट में दिखा था इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है। अब सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या 9 होती है ना, तो मैं 9 लिख दूं, तो 2 ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे, पहला सवाल है ना। ओके, सी कैसे हो जाएगा, आप लोग सी कैसे कर देंगे, 9 तो पहले ही कट गया, विषम संख्या है ना, अभाज्य थोड़ी है। अमन पढ़ो सवाल क्या लिखा है, यहां पर इकाई के स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है, कितनी संख्याएं होती है 1 अंक वाली, 1, 3, 5, 7 और 9, जहां पर 9 अभाज्य सबसे बड़ी है, 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है ना। हाँ, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला आगे, सौवें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 नहीं पता, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3, 10वें स्थान का भी नहीं पता। अब 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, तो 2 का वर्ग हो गया, तो दाई का अंक हो गया 4। तो अब समझ में आ रहा है सवाल का आंसर यहीं से निकल आएगा, हाँ क्वेश्चन का आंसर तो यही निकल गया ना। अब सवाल के अंत में 49 चाहिए आपको, और 49 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो आप आसानी से चूज कर सकते थे। देख लो सीटेट का सवाल है ये 2020 में, तो लेवल डे बाय डे सवालों का बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, है ना, तो इन क्वेश्चन को कैसे नहीं पढ़। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुझे ये भी मिल गया, उसने क्या बोला आगे, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1000 इकाई दाई सैकड़ 1000 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, अभाज्य, तो अभाज्य तो 7 होती है सबसे बड़ी, ये मैंने लग दिया यहाँ पर, इज इट क्लियर। तो अब आपको मिल रहा है साहब, अब आपके सामने क्या बचा है, आपको ये भी अब पढ़ लो सवाल में, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको सैकड़ा और 1 अंक मिला है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, उसने बोला 100वें स्थान का अंक 10,000 के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब 100वें स्थान का कितना लिखा है आपके सामने, आपने कहा 100वां स्थान तो पता ही नहीं है, लेकिन यह पता है कि 10वें स्थान का 2/3 है,
हो गया, तो ये कितना आ गया, दैट इज सिक्स, दो दूनी चार, दो तिया छः, अब एक अंक बचा, दैट इज एट, इज इट क्लियर। तो इस तरह से आप इस संख्या को बनाएंगे। तो आप इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे सवालों में, जहाँ से आपको परफेक्शन मिल जाए, और मोस्टली कोशिश करेंगे कि यूनिट प्लेस वाला वैल्यू आपको पहले मिल जाए और आप यूनिट वाले को आसानी से कर पाएं, इज इट क्लियर। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बाकी सब ठीक था, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है, रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा। तो देखते हैं आपका जवाब, 18वें क्वेश्चन के लिए आप कौन से जवाब को चूज करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, चाहूंगा जवाब मिले। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23, अब देखो समझते रहना सवाल को, आप भी करोगे साथ साथ में, मैं भी आपको सॉल्व कराता रहता हूँ। रेलगाड़ी पटना से 30 मई को चली, अब देखो पहले समझो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई 31 दिन का होता है ना, तो 30 मई, 31 मई और उसके बाद वो चली 1 जून, ये 3 दिन गाड़ी चली, इस बात का याद रखना। हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को निपटा देते हैं, मई 31 की होती तो टोटल वो इतना चली, 30 मई को चली वो कब, 23:40 पर, तो जैसे 23:40 से पहुंची तो रात को 24 बज गए, तो वो 31 मई में एंट्री कर गई। 31 मई से पूरा वो चली कितना, आपने कहा 24 तक, भाई 30 मई के 24 बजे, 31 के भी 24 बज गए, 24 से 24, और 1 जून को 5:15 पर पहुंची। अब आपने क्या देखा, यानी 23:40 से 24 तक कितने घंटे हुए, आपने कहा भाई 23 का मतलब होता है रात को 11:40, इसमें 20 मिनट जोड़ दो तो रात को 24 बज जाएंगे। अब यहां पर देखें कितना हो गया, आपने कहा 24 घंटे ये हो गए और 5:15 ये हो गए, तो कितना हुआ, 24 और 5 29:35, बिल्कुल सही जवाब पकड़े हैं आप, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो घबराने की जरूरत नहीं सवालों में, आसानी से आप सवालों को कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और ध्यान रखना होगा कि सवालों को कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कांशा, 18 का सी एकदम सही जवाब दिया है आप लोगों ने और आपको समझ में भी आया होगा। आप इसको 12 बजे से भी कर सकते थे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये 24 से ही करें, आपको गलती के चांसेस कम होते हैं। एक और सवाल, बहुत बढ़िया अमन, 20 मिनट पहले दिन के बचे, 15 मिनट लास्ट वाले के, 35 मिनट से ही आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अरे आपने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है, यानी एक बाल्टी बना लेते हैं, ये हो गई आपकी बाल्टी, अब ये पूरी भरी है, यहां तक ऊपर तक फुल भरी हुई है और इसकी कैपेसिटी 16 लीटर है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाता है, यानी छोटे छोटे बर्तन से भरा जाता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, मग की धारिता बताओ कितनी है। अब याद रखना, इसकी धारिता 16 लीटर है और आप 50 मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में भर देते हैं, तो उस मग का क्या धारिता, उस मग की कैपेसिटी कितनी है, और आंसर ml में लिखा है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो शुरू हो जाओ, जल्दी से बताओ और देखते हैं आपका आंसर क्या मिलता है, लेट्स सी। तेजी के साथ, बहुत सिंपल सवाल है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको एक बार ए 320, क्या बात है, अमन ने आंसर तो दिया ए, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है, क्या ये सवाल का जवाब सही है, तो देखेंगे अभी आगे। और ए मुझे नीतू ने कहा ए, ओके नीतू बहुत बढ़िया, नीतू ने भी ए कहा है, चलो समझते हैं। हमारी कैपेसिटी ml में लिखी है, तो भाई 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और बाल्टी की कैपेसिटी 16 लीटर है, तो मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बाल्टी की कैपेसिटी 16000 ml है। अब 16000 ml है और उसमें से आप 50 ml का एक जग निकालते हैं, 50 निकालते हैं ना, तो 50 का डिवाइड कर दूं,
5 तीय 15 320, तो 320 ml उस जग का धारिता है, उस जग की कैपेसिटी है। बहुत बढ़िया जवाब आपकी तरफ से मिला, दैट्स वेरी नाइस। आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कितना इजी सवाल था। बस ये आपका मेजरमेंट से था और आपको पता क्या करना था, 16 में 1000 का मल्टीप्लाई करना था। बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब आप लोगों का, और दशरथ ने भी आंसर दिया लेकिन बाद में कट कर दिया, कोई बात नहीं। एक और सवाल बढ़ते हैं आपकी तरफ और देखते हैं इस सवाल में आप क्या बताते हैं मुझे। ओके, क्वेश्चन है 17863 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा। अरे जोड़ने का सवाल है, जल्दी से बता देना भाई, योग का सवाल है, जोड़ने का सवाल है, इसको तो आसानी से बता देंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको आसानी से बता देंगे। तो देखें सिंपली क्या करना है भाई, आपको इन दोनों को, तीनों को जोड़ना है, पहले तो जोड़ लेते हैं। 8008, 8088 और 8808, या तो ऐसे जोड़ लो, नहीं तो सिंपल जोड़ो 8, 8, 16, 8, 3, 24, ये आपकी जिम्मेदारी है। 8 और 10, 8 और 1, 9 और 8, 3, 24, ये आपका आ जाएगा, ये आएगा ना। उसने बोला इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा पाने के लिए, इसमें से क्या घटाना होगा, तो अगर मैं 17863 इसमें से घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। आपने कहा 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 8 गया 0 और 24 में 7 गए 7। तो राइट ऑप्शन आपके पास, बिना किसी टेंशन के, ये सीटेट 2020 का पेपर मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन करके चलें कि सवालों का लेवल किस तरह का बन सकता है, लेवल थोड़ा सा आप हो सकता है, बढ़ सकता है, तो आप लोग तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए कि आपका लेवल बढ़ भी सकता है। ओके, बहुत बढ़िया, आपका जवाब मिला है, दैट्स वेरी नाइस। वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए लेते हैं, ये रहा। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा सोमे से प्राप्त 5 विषयों के अंकों को दर्शाती है, क्या दर्शाती है कि मारिया के अंक ये हैं और शहनाज के अंक ये हैं। अंग्रेजी में मारिया के 74, शहनाज के 81, गणित में मारिया के 88 और शहनाज के 78, सामाजिक विज्ञान में 65 और शहनाज के 77, हिंदी विज्ञान में 90 और 82। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन आपको पहचानना है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्यों भाई ऐसे, भाषा छोड़ देकर मैं इसको छोड़ दूँ हिंदी को, तो कहाँ मारिया ने प्राप्त किए हैं। देखो अंग्रेजी में भी भाषा थी और ये भी भाषा थी, लेकिन 65 सामाजिक विज्ञान में थे, 77 उसके शहनाज के, ज़्यादा नंबर हो गए ना, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया के अंक और शहनाज के अंक देखो, मारिया के हैं ये 88 और 90 और शहनाज के हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ मिस हो गई भी क्वेश्चन में, एक चीज़ मिस हो गई है, माफ़ करिएगा, मैं उस एक चीज़ मिस हो गई है क्वेश्चन में, मैं अभी आपको उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मिस है उसको मैं बता देता हूँ, यानी यहाँ विज्ञान के नंबर नहीं जुड़े हैं, है ना, तो मैं विज्ञान के नंबर आपको बता देता हूँ जिससे कि सवाल में थोड़ा सा लोचा ना हो और आप आसानी से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या था, एक बार अभी बताता हूँ आपको। हाँ, हिंदी के नंबर इसमें नहीं लिखे हैं, मैं हिंदी के नंबर लिख देता हूँ, हिंदी के नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा, 73 और 72 है, ये मिस हो गया इसमें। ओके, हाँ हिंदी में 73 एग्जाम में दिया था और 72 हिंदी में दिया, विज्ञान में 90 हैं। ओके, ऐसे तो मारिया ने कुल मिलाकर 3 में ज़्यादा प्राप्त किए, 88, 73 और 90, तो ये भी गलत हो गया। गणित और विज्ञान में शहनाज ने कुल प्राप्त अंक, इन विषयों में मारिया कुल प्राप्त नहीं, अब तो हमें कुल प्राप्त अंक जोड़ने पड़ेंगे, तो जोड़ें तो मारिया के नंबर कितने बनते हैं, 8 और 4 12 और 5 17 और 3 20, 2 7 9 8 17 और 6 23 और 9 32 320, इसको देखें 8 और 1 9 और 7 16 16 और 2 18 2 20, 8
7, 15, 7, 22, 38 और 32, यानी 320 इसके नंबर है, 320 इसके नंबर है, तो ये तो गलत हुआ। तो सही कौन सा हुआ? मारिया ने शहनाज के कुल प्राप्त अंक दोनों के बराबर है, 320 इसके नंबर है, 320 उसके नंबर है। ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई, सवाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल टाइम टेकिंग होते हैं और आपको इनके लिए एनालिसिस करना पड़ता है और सोचना पड़ता है, तभी आप इसके उत्तर को दे पाते हैं। चलो, तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, ये रहा। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए वह 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ, मैं समझ गया अमन, इसीलिए मुझे भी लग रहा था कि विषय 5 है, नंबर 4 के मिले हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए इस गड़बड़ को दूर किया गया। ओके, चलो, अब सवाल आपके सामने है और चाहेंगे जवाब मिले। एक टैक्सी 1 मीटर पहले जब चलती है तो वह 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का चार्ज करती है, उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए वह 16 रुपये का चार्ज करती है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए कुल मिलाकर 258 रुपये टैक्सी वाले को दिए। अब प्रश्न यह है कि उसने कितने किलोमीटर की यात्रा तय की, तो देखते हैं इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है। अब देखो, कुल मिलाकर के टोटल रुपए कितने दिए गए? 258 रुपए। पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये दिए गए, तो अगर मैं 50 रुपये निकाल दूं उसमें से तो 208 रुपये बचे, और इसके लिए वो 2 किलोमीटर चल चुकी है। अब 208 रुपये किराया जो गया है वो 16 रुपये के हिसाब से गया है, तो 16 का डिवाइड मैंने कर दिया, तो 16 एकम 16 और 16 3 48, 13 किलोमीटर वो 16 रुपये के हिसाब से चली, तो 2 किलोमीटर ये, 13 किलोमीटर ये, टोटल 15 किलोमीटर का भाड़ा उसका लगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई समस्या हो तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर? ओके, ग्रेट। आपको तो समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया से आप उत्तर दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बढ़ते हैं आगे। सवाल समझ में आ गया सबको? ऐसा कोई मेरा साथी जिसको सवाल समझ में ना आया हो? मेरे हिसाब से सभी लोगों का सवाल प्रश्न जो है वो क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बढ़िया जवाब मिलता है आपकी तरफ से तो बड़ा खुशनुमा माहौल क्रिएट हो जाता है। चलो, तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं आगे वाले सवाल में आपके लिए क्या विशेष है। ओके, हियर वी गो विद द क्वेश्चन। ये रहा, गणित के कक्षा कक्ष में अच्छा क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चंस आपको जरूर पता होने चाहिए। गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर परिमाप है। पहला ऑप्शन उसने लिखा कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है, यानी फाइंड आउट द सेट ऑफ दोज नंबर हूज मीडियन इज 4। तीसरा स्टेटमेंट था 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ, एंड फोर्थ वन आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी मुझे बताएं। तो ये आपके सामने प्रश्न था और मैं चाहूंगा अब इसका जवाब आप लोग बड़े शांतिपूर्वक दें। मैं आपको समझा दूं क्योंकि यहाँ पर बंद सिरा वाला और मुक्त सिरा वाले की बात हो रही है, तो पहले इनको समझ लो। ये जो बंद सिरा वाला है ना, इसको आप क्लोज एंडेड बोलते हैं, इसको बंद अंत भी बोलते हैं, क्लोज एंडेड। इस क्लोज एंडेड का मीनिंग क्या है? यानी उस प्रश्न को करते समय याद रखिएगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, उसका कोई और आंसर नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक सॉल्यूशन ही होगा। और जो ओपन एंडेड होते हैं जिनको आप खुला अंत बोलते हैं, मुक्त अंत बोलते हैं, उनके आंसर एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे बंद अंत वाले क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बताऊं, तो बंद अंत वाले को पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिससे कि आपको एग्जांपल समझ में आ जाए। मैंने कहा 2 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 8 हो जाए, 2 में मैं क्या ऐड करूं
कि ये 8 हो जाए। आप बोलेंगे मैडम सर 5 जोड़ दो, है ना, 5 जोड़ देंगे ना, तो मतलब क्या हुआ, फिक्स है 5 के अलावा, या 5 जोड़ देंगे, 6 भी जोड़ देंगे, या 3 भी जोड़ देंगे, नहीं आएगा ना, इनमें से किससे आएगा, दैट इज 6। यानी अगर आप यहाँ 6 जोड़ देंगे तो आपको 8 मिलेगा, यानी 5, 6, 3 में आप कुछ नहीं रख सकते, सिर्फ 6 रख सकते हैं, दैट इज फिक्स। तो इसका आंसर फिक्स है। एक को ओपन एंडेड का भी एग्जांपल समझा देता हूं। मैंने आपसे कहा कि 10 से छोटी एक सम संख्या बताओ, यानी राइट ए इवन नंबर विच इज लेस देन 10। तो आप क्या बोलेंगे, ओके फर्स्ट टाइम क्लास है, ओके वेलकम, तो आप क्या बोलेंगे, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 8, किसी ने कहा 6, क्या चारों में से कोई भी आंसर गलत है, सारे सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है ओपन एंडेड, जिस प्रश्न में उस प्रश्न के उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं और सभी सही हैं, उसको ओपन एंडेड बोला जाता है। अब हम सवाल को देखते हैं और सवाल को हल करते हैं, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ए ऑप्शन, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, परिमाप 30 है, ओके। आपने एक आयत बनाया, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर थी, इसका परिमाप 2 × L + B 30 था, तो L प्लस बी कितना हो गया, आपने कहा 15। L का वैल्यू आपको 5 पता है, तो चौड़ाई कितनी, 10। इसके अलावा कुछ और आंसर तो नहीं आएगा, ओके। हेमंत कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतर हो यही उम्मीद है तुझसे। बहुत ही खूबसूरत लाइन आप लोगों ने हेमंत जी लिखी है, और आपका हर कदम खूबसूरत ही होगा ऐसी मैं भी उम्मीद करता हूँ, ओके। तो यानी ये तो 10 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना, तो ये ए ऑप्शन क्या हुआ, क्लोज एंडेड, एक ही आंसर है। बात करते हैं दूसरे की, उन संख्याओं का सेट बताओ जिनका माध्यक 4 है, ओके आपने लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका मीडियन 4 है। अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या मैंने 7 तक ही लिखा, इसको छोड़ते हैं, तो आपने मीडियन देखा, मीडियन माने मिड की वैल्यू, तो एक समुच्चय हुआ 1, 2, 3, 1, 2, 3 मिड का वैल्यू। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2, 3, 4, 5, 6, अब भी तो मिड का वैल्यू यही है, 2 इधर 2 इधर। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3, 4, 5, अब भी मिड का वैल्यू यही है। यानी आप इस क्वेश्चन को तीन वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई सा भी गलत नहीं है, समुच्चय यानी सेट, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तीनों में 4 ही मीडियन है। यानी ये वाला क्वेश्चन कैसा हुआ, दैट इज बी क्या हुआ, ओपन एंडेड। मैं यहां लिख देता हूं बी क्या हुआ, ओपन एंडेड, अभी मैंने प्रूफ करके बताया है आपको। बात करते हैं तीसरे की, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्या लिखो, तो 0 से 8 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, आपने कहा 2, 3, 5 और 7, 4 हैं, इसके अलावा तो नहीं बढ़ेंगी ना, ये क्या हुआ, दैट इज क्लोज एंडेड। और आपसे पूछा गया चौथा ऑप्शन था, आयत के बारे में जो भी आपको पता है आप बताओ। एक बच्चा बोला सर आयत में 4 भुजाएं होती हैं, सही बात है। दूसरा बच्चा बोला सर आयत में 4 कोण होते हैं, ये भी सही बात है। तीसरा बच्चा बोला सर आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी बात सही है। एक बच्चा बोला सर आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये भी बात सही है। यानी आयत को जानकारी के बारे रूप में पूछा जाए तो देयर आर मेनी डिफरेंट आंसर्स आते यार, तो मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज ओपन एंडेड। तो अब समझ में आ रहा है, ए क्लोज है, बी ओपन है, सी क्लोज है, डी ओपन है। तो यानी ए और डी, सॉरी ए और सी क्या है, क्लोज है, बी और डी ओपन है, तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया सबको, ऐसा सवाल मिलेगा मैंने डिटेल में समझा दिया है, तो उम्मीद है कि आप इसकी गलती कभी नहीं करेंगे, और सीटेट में बहुत बच्चों ने सवालों को गलत किया था। यानी ए और सी दोनों क्लोज एंडेड बंद अंत हैं और बी और डी दोनों मुक्त अंत हैं। इज इट क्लियर नाउ, एक बार यस करके बता दो मुझे, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपको सारे ऑप्शंस क्लियर समझ में आ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में यस कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े इसका मतलब आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, इट मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिजायरेबल इन द टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ओके वेल डन। तो देखते हैं क्या विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्न को हल करने के लिए निर्धारित कदम का अनुसरण करें, ओके। यू शुड टेल टू द स्टूडेंट
टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, वांछनीय डिजायरेबल है। दूसरा, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले यानी ओपन एंडेड प्रश्नों को से बचना चाहिए। टू अवॉइड कंफ्यूजन ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। थर्ड ऑप्शन, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। इट मीन्स इनसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स शुड बी इनकरेज्ड। एंड फोर्थ, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड। तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है। तो गणित को पढ़ाते समय टीचिंग लर्निंग टाइम पर कौन सी प्रक्रिया डिजायरेबल है? तो आप लोगों के जवाब यहां पर आसानी से मुझे मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तेजी से अपने उत्तर जरूर देंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिल रहे हैं आप लोगों की तरफ से। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर्स। तो यहां पर आपको जवाब मिल रहे हैं आप लोगों के, और अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। ओके ग्रेट। ओके गुड। लेट्स सी आपका जवाब समझ में आ गया आपको। अब मैं आगे बढ़ूं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके जवाब पर आगे बढ़ जाता हूं। इज इट क्लियर? ओके तो देखते हैं आपके जवाब क्या मिलते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, आगे बढ़ जाऊं मैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके सवालों के जवाब क्या हैं। ओके लेट्स सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और आपने एकदम सही जवाब को चुना है और सही जवाब को बताया है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को दिया है, क्योंकि हम बच्चों के अंदर अंतर्दर्शी समझ को विकसित करने की बात करते हैं। ओके ग्रेट। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका जवाब क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। क्यों? क्योंकि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित आपको जरूर करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? जब बालक को आप प्रोत्साहन देंगे और वो उसकी इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग यानी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको तेजी से बढ़ाएंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन आपको पता लगा है, ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे खुली पुस्तक से बचना चाहिए, तो ये आप करा सकते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन बहुत जगह होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओपन बुक टेस्ट एग्जामिनेशन में, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में भ्रांति, देखो ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन भ्रांति नहीं फैलाते हैं, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन भ्रांति नहीं फैलाते हैं। ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा वाइटल सोचने पर मजबूर करते हैं। ओके तो राइट ऑप्शन समझ में आया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं आपके सामने। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत है। समझना ध्यान से, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग और समचतुर्भुज एक आयत है, दोनों ही है। वह वॉन हिले के मानस चिंतन के कौन से स्तर पर है, या वॉन हिले के ज्यामिति चिंतन पर वो कौन से स्तर पर, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तेजी के साथ बढ़ेंगे और जवाब देंगे मुझे आसानी के साथ। ओके पहला स्तर, दैट इज स्तर तीन निगमन। मैं इसको लिख देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। स्तर जीरो पहचानना, स्तर एक विश्लेषण, स्तर दो संबंध। मैं इनको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। पहले स्तर को आप बोलते हैं क्या, द फर्स्ट लेवल जो जीरो है उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। इनके नाम बदल के दिए थे एग्जाम में, विजुअलाइजेशन। लेवल नंबर वन को बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण, वो सही लिखा है। लेवल नंबर टू को बोलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। ओके और स्तर नंबर तीन को बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन। ओके एक लेवल और होता है लेवल नंबर फाइव फोर, जो स्टेप फाइव होता है, जो होता है क्या, रिगर। मैं यहां लिख देता हूं स्तर फोर, दैट इज दृढ़ता, और इसको बोलते हैं रिगर।
वो किसको रिगर बोला जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो अब आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सी को लॉक किया जाए, विश्लेषण। ना 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 ना, अभी मैं और आपको करता हूं प्रतीक, अभी पहले समझ लो फिर आप आंसर देना। अभी और समझ लो बात क्या है, बात को समझो। अगर मैं आपसे बात करता हूं स्तर जीरो की, तो बच्चा यहां सिर्फ आकृतियों के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर चीजों को पहचानना शुरू करता है। अगर मैं बात करता हूं एनालिसिस की, तो एनालिसिस में बच्चा उनके सही नाम और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे आयत क्या है, उसमें चार भुजाएं हैं, चार कोण हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज को समझता है। स्तर नंबर दो, जिसको आप इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, अनौपचारिक निगमन बोलते हैं, अनौपचारिक निगमन में बालक उस पर्टिकुलर शेप की सभी प्रॉपर्टीज को, डीप प्रॉपर्टीज को समझता है। ओके, तीसरी बात, लेवल नंबर तीन, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मल रिडक्शन, उसमें क्या होता है, इसमें बालक जो भी आकृति आपके सामने है, दो भिन्न भिन्न आकृतियों को बीच संबंध स्थापित करता है, यानी दो भिन्न भिन्न आकृतियों के मध्य संबंध स्थापित करता है, यानी वो प्रमेय को, थ्योरम्स को प्रूफ करना शुरू कर देता है। ओके, और दृढ़ता में वो खुद अपने चित्र बना लेता। अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, इनफॉर्मल में हमेशा रिलेशन की बात की जाती है ना, रिलेशनशिप। देखो जैसे क्या, वर्ग एक सम चतुर्भुज है और आयत दोनों, यानी आपने कहा एक वर्ग जो होता है, वर्ग के बारे में बात हो रही है कि वर्ग एक सम चतुर्भुज है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है, प्रॉपर्टी होती है सम चतुर्भुज की, और वह आयत भी है क्योंकि आयत में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यानी इस प्रॉपर्टी, इस वर्ग की वो डीप प्रॉपर्टीज को समझना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर चार, दैट इज रिलेशनशिप, दैट इज संबंध। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपको सवाल समझ में भी आ गया है। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, दीजिएगा जवाब तेजी के साथ। ये समझ में आ गया ना? एक और, चलो। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से कौन या किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, यानी ऑन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट। ये आपको बताना है, सबसे कम प्रभाव किसका डालेगा, ये आपको बताना है। तो मैं देखूंगा सबसे कम प्रभाव आप किसका डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सबसे कम प्रभाव आप किसका डालेंगे, तो जवाब मिलने लगेंगे धीरे धीरे। ओके, देख लेते हैं सवाल का जवाब क्या है, समझिए। गणित के शिक्षण अधिगम पर सबसे कम, पहला छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि करना, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास का प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी देना। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। गिविंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू द रॉन्ग आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ फीडबैक, टीचिंग यूजिंग द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन टू चेंज और टू बी अवेयर ऑफ द वे इन विच इवेल्युएशन अफेक्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ दर्शना, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम इशू यहाँ पर हो रहा है, कुछ फाइबर में प्रॉब्लम चल रहा है कल से, और वो टीम लगी भी हुई उसको करने के लिए, लेकिन सफलता हासिल कम हो पा रही है। इसमें भी पॉसिबल कि थोड़ा सा यहाँ पर अभी बफरिंग होने को मिल सकता है। ऑलरेडी आई इन्फॉर्म टू द सर्विस प्रोवाइडर एंड ही इज वर्किंग ऑन इट। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिल रहा है। तो समझो, सबसे कम प्रभाव यानी गणित शिक्षण में जब आप बात करते हैं, सबसे कम प्रभाव होने की संभावना किसकी है? देखो, प्रतिपुष्टि की बिल्कुल सही बात है, ये तो अधिक प्रभाव डालेगी। जब आप फीडबैक को अधिक गुणवत्ता से लेंगे, इट क्रिएट मोर इम्पैक्ट। और मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग, बिल्कुल सही बात है, आपने इवेल्युएशन किया और इवेल्युएशन करने के बाद आपको पता लगा कहाँ कमी है बच्चे में, तो आप उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे।
मूल्यांकन के कारण छात्र में आत्मविश्वास पर पढ़ने की दर, बिल्कुल सही बात है। आपने इवेल्यूशन किया और उसमें छात्रों के आत्मविश्वास में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई, इस बात को जानना, बिल्कुल सही बात, इनका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल दे देंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक अलॉक किया जाए, प्रतीक कर दिया है अलॉक, एकदम सही जवाब है आपका, एक अलॉक कर दिया गया है। ओके, एक और सवाल लॉक करने के बाद शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी अगर मैं आपसे बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ए, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दो, गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। तीन, गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। चार, नमूनों के अवलोकन और सामान्यकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। याद रखना, सवाल में नहीं जुड़ा है तो ऑलवेज में रिमेंबर, सीटेट में सबसे ज्यादा, एग्जामिनेशन में, सभी में आपको सही आंसर पता होता है, लेकिन वो नहीं जोड़ देता है और वो नहीं आपके सवाल को नहीं नहीं कर देता है। सोशलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर टू आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए दर्शना, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया तो यहीं पर दिया हुआ है। सी, वेरी गुड, अच्छा, बहुत ठीक है, राइट ऑप्शन सी, एकदम सही जवाब है आप लोगों। क्यों? क्योंकि गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ। अब संस्कृति की बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा, हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं गणित के, जिनका नाम है हॉकबे। उन्होंने गणित के संदर्भ में एक परिभाषा दी थी, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, यानी संस्कृति गणित की देन है, गणित से संस्कृति को संभाला गया है। और रही रेफरेंसेस की बात, आप विदाउट रेफरेंस नहीं पढ़ा सकते। आपने कोई सवाल कराया और आपने बच्चों को कुछ नहीं बताया, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों डेवलप हुआ, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो ऑलवेज बी रिमेंबर कि गणित के ज्ञान की जब रचना की जाती है तो उसमें संस्कृति और रेफरेंसेस, यानी वो चीज़ कहाँ से ली गई है, उन संदर्भों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और वो मना कर रहा है तो गलत है ना? नहीं नहीं नहीं, संवाद सम्मिलित का मतलब, आप एक बार बताओ गणित में किससे संवाद करते हो आप? संवाद मतलब कम्युनिकेशन, आप किसी से डिबेट करते हो? हाँ जी, बताओ, आप डायलॉग बाजी करते हो गणित में? जैसे कि एक दिन टिल्लू बोला अपने मास्टर से, गणित के मास्टर जी से, बोला मास्टर जी हिंदी वाली मैडम हिंदी में संवाद करती हैं, अंग्रेजी वाले मैडम अंग्रेजी में संवाद करते हैं, संस्कृत वाले मास्टर जी संस्कृत में संवाद करते हैं, आप गणित के मास्टर हो गणित में संवाद नहीं करते। तो मास्टर जी ने बोला टिल्लू ज्यादा 3-5 मत, और कान पे 2-4 मारूंगा ना, 9-2-11 हो जाएगा। टिल्लू बोला मास्टर जी नमस्कार, आप हिंदी में बात किया करो। समझ रहे हो? तो संवाद कैसे करोगे गणित में? इट्स नॉट पॉसिबल। और मैथमेटिक्स में कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी थॉट प्रोसेस को यूटिलाइज करना। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर थर्ड। और अब सामान्यीकरण तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक लेवल पर जनरलाइजेशन किया जाता है। हम बच्चे को आगमन विधि इंडक्टिव मेथड पढ़ाते हैं, और इंडक्टिव मेथड जब उसको पढ़ाते हैं तो इंडक्टिव मेथड को पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप बालक के, और इंडक्टिव तो रूल ही है सामान्य से विशिष्ट से सामान्य, है ना? हाँ, ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रतीक जी, जरूर लेंगे, लेकिन सारे सवालों को, ऑप्शंस को ही रटना है प्रतीक। क्या सिर्फ ऑप्शन को ही रटना है, बाकी सही क्यों नहीं है, इसको नहीं बताना चाहिए? बीइंग ए टीचर मेरा क्वेश्चन आपसे है प्रतीक, मैं चलो आगे चलता हूँ। बीइंग ए टीचर मैं आपसे पूछूंगा, आप भी फ्यूचर में टीचर बनेंगे, कि आप सिर्फ ऑप्शन के सही उत्तर को चूज करवाएंगे बच्चों से, या बाकी 3 गलत क्यों, ये भी बताएंगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं प्रतीक, आप बताइए, 30 क्वेश्चन क्वालिटी ज्यादा जरूरी है कि क्वांटिटी ज्यादा जरूरी है? इसका आंसर मुझे दीजिएगा, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो फिर आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं, बताएंगे ना? तो फिर आप मुझे क्यों फोर्स करने के, सर आगे चलो, मैं भी तो टीचर ही हूं, है ना? हाँ, तो बस, तो हम तो 30 जरूरी नहीं है,
15 हो जाए, लेकिन वो ऐसे हो जाए कि हमें पता लग जाए कि 15 में 15 चौके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। कि नहीं, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, दो होल नंबर का टोटल एक होल नंबर होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को निम्नलिखित से उल्लेखित किया जा सकता है, वितरण नियम, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। संवरक नियम जिसको कंजर्वेटिव लॉ भी बोलते हैं, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्रम विनिमय नियम को कॉम्यूटेटिव लॉ और सहचारियों को एसोसिएटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल, दो आंसर है। हाँ ओके, संवरक दैट इज क्लोजर। अभी आपको शायद, अच्छा आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर दो। अच्छा, आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? चलो मैं बता देता हूं इसको, फिर मैं बाकी को भी बता दूंगा आपको इनका नहीं मतलब क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो सेम टाइप की, दो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को लेते हैं और आफ्टर ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन आपने लगाया हो, जोड़ गुणा भाग या कुछ भी, आपको उसी प्रॉपर्टी का एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको हम संवरक नियम कहते हैं, उसको हम कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपने दो पूर्ण संख्याएं ली, दैट इज दो भी पूर्ण है और तीन भी पूर्ण है, दोनों को ऐड किया तो आपको होल नंबर, पांच भी तो होल नंबर है ना, पांच भी तो होल नंबर है ना, तो दो और तीन बराबर पांच, तो ये पांच होल नंबर्स के रूप में माना जाता है। इसका मतलब दो होल नंबर का टोटल होल नंबर ही होता है, दो पूर्ण संख्याओं का टोटल पूर्ण ही होता है, इसलिए क्लोजर है, संवरक है। इज इट क्लियर? क्लियर है। अब बात करते हैं वितरण नियम क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है, सहचार्य क्या होता है। सहचार्य नियम कहता है कि दो तरह का होता है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। पहले मैं लिख देता हूं, अगर आप ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, दोनों एक ही बात है। ए में बी की गुणा करें या बी में ए की गुणा करें, दोनों एक ही बात है। क्लियर। बात करते क्रम विनिमय नियम, समझ में आया? इसमें दो वेरिएबल होते हैं और सेम ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सहचार्य, किसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, इसमें तीन डिजिट ली जाती हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इज इट क्लियर? गुणा में कैसे करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। यानी आप पहले ए में बी की गुणा करें, बाद में सी की गुणा कर दें, या पहले बी और सी की गुणा करें, उसमें की गुणा करें, तो दोनों कंडीशन बराबर होंगी। प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों एक जैसे हैं, बस अंतर क्या है, इसमें दो डिजिट होंगी तभी लागू होगा, दो से ज्यादा डिजिट हो जाएंगी तो वो क्रम विनिमय सहचार्य में बदल जाएगा, एसोसिएटिव में बदल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके ओके, अब बात करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। इसका मीनिंग क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जब आप कोई चीज कॉमन लेते हो वहां पर इसको यूज किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस तीनों में अंतर क्या है, इसमें दो वेरिएबल, इसमें तीन वेरिएबल, सेम सिंबल। इन दोनों में अंतर क्या है, तीन वेरिएबल और मोर देन थ्री यहां भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक ही ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। देखो, प्लस है तो प्लस प्लस, गुणा है तो गुणा गुणा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप दो ऑपरेटर को एक साथ प्रयोग में लाते हैं, बस ये इनका आइडेंटिफिकेशन है। इज इट क्लियर? ये इनका आइडेंटिफिकेशन है, आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा। एक और सवाल, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, इट मीन्स एनकरेज एंड प्रिपेयर फॉर द टेक्नोलॉजी। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, मेक मैथमेटिक्स ए पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, टू डेवलप प्रिसीजन इन कैलकुलेशन। और उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, रेडी फॉर हायर स्टडीज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर सबको पता है हमारा NCF हमसे क्या कहता है, NCF 2005 कहता है कि बालक का जो भी पाठ्यक्रम है, स्पेशली गणित का पाठ्यक्रम है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, वो उसकी डेली लाइफ से कोरिलेट होना चाहिए, वो उसकी डेली लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, तभी उसको आप सही मानते हैं। इज इट क्लियर? ये भी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।
अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं आपके सामने, ये रहा आपके समक्ष। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप प्राथमिक लेवल पर संख्याओं को पढ़ा रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है? एक, संख्याओं की अंतःदर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा, गणनाओं से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, और मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले, क्या होगा इसका जवाब? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टिकटॉक टिकटॉक घड़ी की सुइयां शुरू हो चुकी हैं और आपका जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ओके, तो जवाब क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, 30 क्वेश्चन आपके सामने और जवाब देखते हैं। देखो, ये तो मैंने अभी बताया था ना आपको ऑप्शन नंबर 1 पीछे वाले क्वेश्चन में कि संख्याओं की अंतर्दशी समझ को आप प्रोत्साहित करें, ये तो बिल्कुल सही है, ए वाला तो सही हो गया। तो ये वाले तो गलत हो गए जिनमें ए है ही नहीं। अब दो बचते हैं, ऐसे भी आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, संख्याओं को पढ़ने के लिए बात हो रही है, तो संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ने का काम नहीं, लिखने का काम है, ये तो नहीं होगा। संख्याओं से पहले संख्याओं का संख्याक रूप में लिखना चाहिए, यह भी सेम है कि आप संख्याओं को लिखने की बात कर रहे हैं तो लिखने से काम नहीं चलेगा, आप पढ़ने की बात कर रहे हैं तो संख्याओं में अनुक्रम असंगति को, यानी जिसको आप बोलते हैं ना क्रॉस पजल्स, आप संख्याओं को ऐसे लिखे कि बचा 8 लिखो, अब की बार 89 लिखो, ऐसे काम करें, तो आपका सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। यानी तीन ऑप्शन गलत थे, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 30 जो आपने एकदम सही किया। इज इट क्लियर? तो हम इस तरह से सवालों को समझ सकते हैं। ओके, तो भाई आज के 30 सवाल कंप्लीट हुए, सीटेट पेपर 2020 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब कल मैं दोबारा से एक नए पेपर के साथ आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे जरूर बढ़ाइएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव ए नाइस डे एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।